घोसी उपचुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस वक्त निगरानी करने के लिए पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में। घोसी से चलकर मऊ आए हैं। बात करते हैं सर, 8:30 बजे का वक्त हो रहा है लगभग, यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी आपको यहाँ पहुंचने की? हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो मऊ आया था किसी काम से, तो मैंने कहा जरा इधर भी देखें क्या हो रहा है, निगरानी करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर पर्यवेक्षक से लेकर के सारे लोग लगे हुए हैं, तो हम क्या निगरानी करें? निगरानी तो बक्से के अंदर जा चुका है। अभी तक काफ़ी लोग तो चिल्ला रहे थे कि बेईमानी हो जाएगी, वोट नहीं डालने देगी सरकार, आप लोग ज्यादती कर रही है। फिर जो होना था वो हो गया। आप देखे ही किस तरह से उठ पड़ा है, शासन लड़ा है, प्रशासन लड़ा है। भाजपा के लोग नहीं लड़ रहे थे, शासन प्रशासन मुझसे लड़ रहा था। और जब 40-50 हज़ार से जीतूंगा तो क्या लोग कर लेंगे? कौन 2-4 हज़ार क्या है क्या कि कोई इधर उधर कर देगा? वो लोग तो बड़े आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कौन है आप बताइए, आपके सामने आप बता दीजिए। नारा सिंह चौहान जो सवेरे शाम पार्टी बदल देता हो, उसको हमको शाम को भी पूछना पड़ेगा किस पार्टी में भी है। भारत का कोई दल नहीं बचा है जिस दल से वो न गुजरे, अब दोहरा रहे हैं, उनको पार्टी क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, जो 2 घंटे बदल दे तब क्या करेंगे आप? यहाँ तो बोल के गए ना तमाम लोग, बड़े नेता, कि आप एक विधायक जिता के भेजिए, 2 मंत्री लीजिए पूर्वांचल में कटाक्ष से। अब आप जो है 2 मंत्री मिलेंगे, इस लालच में हो सकता है कि वोट पड़ा हो? वो तो बहुत दूर है, दोनों लोगों का सपना दूर है। ये लोग अपनी जमानत बचाने के बारे में सोचे। ये जनता ने चुनाव लड़ा है, हम नहीं, पूरी घोसी की जनता लड़ी है चुनाव। नहीं तो प्रशासन जिस तरह से कल व्यवहार परसों कर रहा था, आप देखे, ये चुनाव ऐसा कहीं होता है कि बूथ पर से मार करके लाठियों से भगाया जाए वोटरों को? भाग जाओ, वोट मत डालो, और डालो तो भाजपा को डालो। विनय सिंह सीओ का सुना कि नहीं आपने? बताया तो मैंने आपको था, तब सब कुछ जानते हैं आप लोग, तो काहे लिए पूछते हैं। एक आखिरी सवाल और था कि जीत के प्रति आप जो आश्वस्त इतना नज़र आ रहे हैं, अब आज की रात है सिर्फ, और यही रात जो है वो भारी, क्या कोई तनाव महसूस कर रहे हैं दिमाग पे किसी तरह का? मैं 1975 में आपातकाल का बंदी हूँ, 19 महीने 18 दिन जेल रहा हूँ, लोकतंत्र सेनानी हूँ, 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई क्षेत्र बचा नहीं जहाँ से जीता नहीं। मुझको जो है कि तनाव नहीं होता, जीत हार से कोई तनाव नहीं होता, लेकिन ये तो जनता लड़ दिया है, कुछ है ही नहीं, भाग गए पहले ही सब। धारा भाई को खोज रहा हूँ, कहा भाई वहाँ कल बैठे जाए के लग गए, अब तो बोलौली है, देखो भवा आवे लेकिन आवेला। धारा कह रहा है जीतने के बाद बैठेंगे अपने दोस्त के साथ? नहीं, पहले एक साथ गणना होती है तो मजा आता है। अब फागू भाई आप तो राज्यपाल हो गए हैं, नहीं तो हम बिहार के भी राज्यपाल हैं, दोनों भाई एक जगह बैठते थे, हम हारते थे तो हमको बधाई देते थे, और आधा घंटा पहले ही धोती उठा के भाग जाते थे। तो हमारे फागू के बीच तो कई बार युद्ध हुआ है, लेकिन भाव हमारा इस बार नहीं है, राज्यपाल हो गया है, तो ये तो कुछ है ही नहीं है, इनके बारे में क्या मैं कहूँ? कई बार के मंत्री हैं, MP रहे आप ही की पार्टी से, और उसके अलावा जो है वो राज्यसभा सदस्य रहे आप ही की पार्टी से, आप कह रहे हैं कुछ है ही रहे, मतलब कहीं गिनती में नहीं गिन रहे हैं आप? ये तो जिंदगी बदल बदल के इस दल से उस दल में, केवल पद लेने के लिए जो व्यक्ति हो जहाँ मिले तहाँ ले ले, उसके ऊपर राजनीतिज्ञ नहीं कहते हैं। मैं तो 42 वर्ष में कभी पार्टी नहीं छोड़ा हूँ, और उनको भारत का कोई दल नहीं बचा जिस दल में रहे हूँ, दोहरा रहे इसको आप भी जानते हैं, तब क्या कहना है? किसी दल के हों अस्थाई तब तो हम कहें। मैं आप बताया कि मैं मीसाबंदी हूँ, आपातकाल में 19 महीने 18 दिन जेला हूँ, लोकतंत्र सेनानी हूँ, स्वतंत्र संग्राम सेनानी का मुझको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। तो इसका मतलब कल यहाँ पे आप मौजूद रहेंगे पूरे टाइम? पूरे अब वो देखा जाएगा, कल की बात कल है ना। जो बाजा बजाने की बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, उनके बारे में क्या कहेंगे कल को? ओम प्रकाश यदि नेता होंगे तो चाहेंगे कोई नेता ही चुनाव जीते। बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत सधे अल्फाजों में अपनी बात कही सुधाकर सिंह ने, और कहा कि दारा सिंह चौहान को पता करना पड़ता है कि सुबह किस दल में हैं और शाम में किस दल में हैं। बहरहाल चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है और कल नतीजे आएंगे। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।